गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जॉब अपडेट है असम पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या आई हुई है एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, तो किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल, ठीक है, अंडर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ओके, अगर हम नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई हुई है, तो 264 यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। अगर हम बात करें कि रिजर्वेशंस क्या क्या है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, तो अगर हम बात करें नेम ऑफ द सर्विस या फिर पोस्ट, अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अंडर PHED में, तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो 141 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ओके, अगर हम जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के बारे में बात करें, तो टोटल यहाँ पे कितनी 17 पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो टोटल 9 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए कितनी 9 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सैलरी कितनी रहने वाली है, कि स्केल ऑफ पे क्या है, तो यहाँ जो स्केल ऑफ पे है वो आपका 14,000 से लेकर 70,000 तक आपका क्या पे स्केल रहेगा, एंड जो ग्रेड पे रहेगा वो 8,700, एंड जो पे बैंड रहेगा वो कितना है 2 है। ओके, अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जो कैंडिडेट है मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, और कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस PRC इशू इन असम फॉर एजुकेशनल पर्पस और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट असम। ये क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या मांगा हुआ है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सेम जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर। ओके, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेम प्रोसेस रहेगी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन कितना है, अगर हम SC ST कैंडिडेट के लिए बात करें, तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, अगर हम OBC कैंडिडेट के लिए बात करें तो 3 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अगर हम देखें यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए। ओके, एप्लीकेशन फी के लिए बात करें कि कितनी एप्लीकेशन फी लग रही, तो जनरल कैटेगरी के लिए 250 यहाँ पे एप्लीकेशन फी है, एंड SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 150 एप्लीकेशन फी। अगर हम BPL के लिए बात करें तो कोई फी नहीं लगेगी, एंड PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है। कुछ यहाँ पे और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, ये कुछ पॉइंट्स है। ओके, आपको क्या ये साइट पे जाना है STT TTPS.APSC recruitment, ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप रीड कर लेना, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, ये हमारी काम की चीज नहीं है। ये यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो नेम ऑफ द जोन के बारे में बताया हुआ, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कवर्ड अंडर द जोन, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को कवर कर दिया। तो आज की इस वीडियो में जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल।